लोगों को कुत्ता पालना मना किया गया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों गाय पालन कर सकते, कुत्ता नहीं पालन कर सकते। महाराज जी नरक गए, महाभारत में तो बड़ा तीन कई अध्यायों में कथा है, नरक नारकी प्राणियों के दुख देख करके युधिष्ठिर महाराज को रहा नहीं जा रहा, मैं तो यही ना हम इन प्राणी दुखी प्राणियों को छोड़कर नहीं जाऊं। महाराज कहते हैं कि हमारे जितना पुण्य है इन पुण्य सिंहों को स्वर्ग दिया, हमको नरक। महाराज अपने पुण्य से कुछ ही नरक को दिखाया गया था, सब नरक वासियों को स्वर्ग भेज दिया गया। कहा गया आप तो चलिए स्वर्ग, कहे कि अब हमारा पुण्य तो नष्ट हो गया, आप कैसे स्वर्ग जाओ। तो नहीं महाराज, पुण्य दान करने से आपका पुण्य और बढ़ गया, आपको तो दिव्य लोक की प्राप्ति हो गई। इसके बाद महाराज राजा कौन बन गया, परीक्षित महाराज। ततः परीक्षित द्विजवर्ज शिक्षया महिम महाभागवत ससास। आज तक मंडल पर ऐसा कोई राजा नहीं बना परीक्षित जैसा राजा बना। परीक्षित महाराज राजा बने महिम महाभागवत ससास। मैं एक बात बता देता हूँ, भागवत में जितना कृष्ण कथा नहीं है उससे अधिक भक्तों की कथा है। इसमें केवल भक्तों, प्रथम स्कंद से लेकर द्वादश स्कंद में जाइए, केवल भक्तों का चरित्र है, भगवान के चरित्र से अधिक भक्तों का चरित्र। महाराज अपने सदगुरु के द्वारा इस पृथ्वी का शासन करने लगे महाराज परीक्षित। उन्होंने पूछा कि हे प्रभु आप कृपा करके बतलाइए कि नृप लिंग धर शूद्र घ्रंतम गो मिथुनम पदा। मैंने सुना हूं कि राजा का चिन्ह धारण करके कलयुग ने गाय और बैल को मारा, इस क्यों मारा आप कृपा करके बतलाइए। तो महाराज एक बार परीक्षित महाराज अपने हाथ में धनुष लेकर के सप्तद्वीपवती पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए गए। भद्राश्व केतु मालम च भारतम चोतराम कुरुन, सभी लोक लोकांतर में गए, सभी द्वीप में गए, सभी वर्षों में गए, जहां जहां गए प्रदीय माणम चजसह कृष्ण महात्म सूचे कहूँ। सब नर नारी एक जगह बैठ करके केवल श्री कृष्ण और पांडवों के चरित्रों का गान करते थे। इससे महाराज यह भी सुने कि देखो तो सही ये पांडव कितने महान हैं, जिनके लिए श्री कृष्ण ने सारथी बने, उनकी सौख बने, कहाँ तक कहें दूत बने, यहाँ तक कि महाभारत युद्ध में वीरासन में रात भर खड़े होकर के रक्षा करते थे। भक्तिम करोति नृपति शरणारविंदे, इन महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा किए। इस भूमंडल पर घूमते घूमते देखे कि धर्म पदैकेन चरण विच्छाया उपलब्धि दाम, एक बैल देखे जिसका तीन पग पैर नहीं है, एक पैर पर खड़ा है, और गैया बिल्कुल दुबली पतली हो गई है और दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और क्या बात कर रहे हैं तो देखिए, धरणी और धर्म ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। महाराज परीक्षित जब देखे तो परीक्षित को रहा नहीं गया, परीक्षित अपने हाथ में महाराज धनुष उठा लिए और कहे कि महाराज आप कृपा करके बतलाइए, कस्तम वत्सर लोलो के बलाद हस्य बलान बली नर देवस्म भेषेणे नटवत कर्मणा द्विजा। ये कौन दुष्ट है जो हमारे राज्य में गाय और बैल को कष्ट दे रहा है। कस्तुम कृष्ण गते दूरे, क्या भगवान श्री हरि श्री कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए और गांडीव धारी अर्जुन चले गए तो शुद्ध दुष्ट राजा लग मनमानी ढंग से आचरण करेंगे। अरे न जात कौरवेंद्राणाम दोर दंड परिरम बसे, अभी पांडवों का शक्तिशाली वंश कहीं गया नहीं है, आप बताइए कौन है। अनाग स्वस्ती भूतेशु, देखो भाई यदि राजा में ताकत न रहे तो प्रजा निरंकुश हो जाएगी, तो राजा को इतना ताकत रहना चाहिए कि जिसके बल से साधारण जनता हमेशा डरती रहे। तो कहते हैं राज्यो ही परमो धर्म स्वधर्म स्थान पालन, राजा का सबसे बड़ा धर्म है कि उसके राज में गाय और ब्राह्मणों को कष्ट न मिले। एतद् वह पांडवेया नाम युक्ता धर्म वयम वचः। जब इस प्रकार महाराज परीक्षित ने आश्वासन दिए बैल और गाय को तो बैल से कहते हैं और बैल धर्मराज जी कहते हैं, आप बताइए आपको एक तीन पग कौन काट दिया है।
और गैया को कहे कि तुम इतनी दुबली पतली क्यों हो गई। तो धर्म कहता है कि महाराज हमको पता नहीं कि कौन हमारा पैर काट दिया है। देखिए ये बड़ा भारी सिद्धांत है, कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता है। यदि कोई झूठा आरोप करते हैं कि वो हमको गाली दिया है, अरे हमको एक लोटा पानी भी यदि कोई देता है तो हमारा कर्म हमारा प्रारब्ध ही देता है। कोई किसी को सुख देता है न कोई दुख देता है। भगवान राम कहते हैं काह न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। कोई किसी को सुख दे सकता है न कोई किसी को दुख दे सकता है, अपना कर्म ही किसी को सुख दुख देता है। यहाँ पर धर्म कहता है जैसा गुण गड़े कृष्णो दौत्यादि भगवान कृता। हे महाराज परीक्षित, आपने जो शब्द कहा है ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपके वंश में बड़े बड़े तेजस्वी महापुरुष हुए हैं। लेकिन मैं यह नहीं बता सकता हूँ कि हमारे दुख का कारण क्या है। केचित विकल्प वसना, कोई कोई प्रारब्ध को कहते हैं, कोई कोई देवता को कहते हैं, कोई कोई ग्रह को कहते हैं, कोई काल को कहता है, कोई कर्म को कहता है। और प्रत्यय आज तक निर्णय नहीं कर पाया कि ये सुख दुख देने वाला कौन है। केशवपि निश्चय अत्रान रूपम राजर्षे विमृशन स्व मनीषया, आप ही कृपा करके बतलाए कि हमारे सुख दुख का कारण कौन है। माने इनके भाषण को सुन करके महाराज परीक्षित कहते हैं कि ऐसा तो कोई बोल नहीं सकता है। देखो भाई, जो कमजोर व्यक्ति है वही दूसरे पर लक्षण लगा, इसी के चलते मैंने पाप किया। जो कमजोर व्यक्ति है जैसे स्त्री और लड़की छोटे छोटे बच्चे, उनसे अरे तुम ऐसा क्यों किया, अरे हम नहीं किया, वो किया, दूसरों को दे दे। स्त्रियों से कहो कौ किया, अरे हम नहीं किया, उसके द्वारा हो गया। जो कमजोर व्यक्ति है वही कहता है उसके द्वारा हो गया। महाराज परीक्षित कहते हैं कि तुम ऐसा कोई प्रवचन कर नहीं सकता है। धर्मम ब्रवीषि धर्मम, आप साक्षात धर्म है। धर्मोसि वृष रूप धृत, वैद्य रूपधारी साक्षात आप धर्म है, क्योंकि आप जानते हैं जद अधर्म कृतस्थानम सूचक स्याति तद भवे। देखो भाई, पाप करने वालों को जो दंड मिलता है, जो नरक मिलता है, वही नरक चुगली करने वालों को भी मिलता है। सूचक स्याति तद भवे, यदि कोई पाप कर रहा है और कोई व्यक्ति कह दे कि अरे वो पाप कर रहा है, उसको भी वही दंड मिलेगा। आप इस रहस्य को खूब अच्छा से जानते हैं। जद अधर्म कृतस्थानम, पाप करने वालों को जो फल मिलता है सूचक स्यापि तद्भवेत्, सूचना देने वालों को भी वही पाप लगता है। अथवा देव माया नूनम गतिर गोचरः। देखो भाई, तप धर्म का चार चरण है, तप शौच दया और सत्य। तपस्या करने में अहम भाव आता है, अहंकारी का तप, अहंकार से तप नष्ट हो जाता है, आसक्ति से पवित्रता नष्ट हो जाती है और मद से दया नष्ट हो जाता है। तो सत्य कलयुग में ये तीन पैर धर्म का नष्ट हो गया है, तप शौच और दया। प्रायः लोग कलयुग में अहंकारी, क्योंकि सब पाप का जड़ है अहम वृत्ति। शक्ति थोड़ा है लेकिन अहंकार बहुत अधिक है। आसक्ति के जहाँ आसक्ति हो जाती है उसका जूठा खाना लोग प्रारंभ कर देते हैं, पवित्रता नष्ट हो जाती है। और जहाँ मद हो जाता है छोटे लोगों पर दया नहीं करते हैं। कलयुग में केवल एक ही धर्म का पैर बच गया है, वो क्या है जानते हैं कौन क्या है? सत्य रह गया, वो भी मोबाइल समाप्त कर दी। एक ही धर्म रह गया है सत्य, लेकिन वो सत्य कैसे भ्रष्ट किया जाए इसके लिए कलयुग सबके हाथ में एक मोबाइल दे दिया है। झूठ बोलते रहो, हो कहीं और कहीं बोलते रहो। इदानीं धर्म पादास्ते सत्यम निर्वर्तते द्यतः। महाराज परीक्षित ने धर्म को चारों पैर ठीक कर दिया। महाराज परीक्षित के राज में ये धर्म महाराज चारों पैर में था। महाराज परीक्षित कहते हैं कि नते गुडा के सज सो धराणाम बंधा जले वही भयमस्ति किंचित। महाराज धर्म से कहा अब आपको किसी प्रकार का डर नहीं, हाथ में तलवार लेकर के कलयुग को मारने के लिए चले।
कलयुग बहुत चालाक, सबसे अधिक चालाक कलयुग है। चार जुगन से कमल नयन कलयुग अधिक कृपा करे। कलयुग इतना चालाक है, जब देखा महाराज परीक्षित हाथ में तलवार लेकर के अब हमारा गर्दन उड़ाने ही जाना चाहते तो तुरंत अपना राज मुकुट निकाल दिया, तलवार फेंक दिया, शरणागत हो गया और कहा कि महाराज आपके राज में आज तक कोई शरणागत हमारा नहीं, मैं तो आपके शरण में आ गया, लेकिन कोई स्थान तो दे दीजिए, आपके घर में आया हूँ तो कोई तो स्थान दे दीजिए। तो महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए चार स्थान दिया, द्यूत, पान, स्त्री और सूर्य। झूठ दे दिया, जहां हमारे राज में झूठ बोला जाता है तुम वहां रखो। पान, पान का अर्थ होता है नशा खाना, शराब पीना, सिगरेट पीना, गांजा पीना, तंबाकू खाना, किसी प्रकार का जो नशा करता, चाय पीना, ये नशा है। तो जहां नशा लोग करते हैं वहां तुम वास करो। स्त्री, स्त्री को भी महाराज कलयुग का स्थान है, जो अपनी स्त्री को छोड़कर पराय स्त्रियों के संग करता है उस पर तुम चढ़े रहो कलयुग का। फिर सून, सून कहते हैं हिंसा, जहां हिंसा होता हो वहां रहो। महाराज कलयुग ने यह जम्बू द्वीपा सप्त द्वीपवती पृथ्वी में चारों तरफ घूमा, ये चार काम करने वाला महाराज परीक्षित के पास कोई नहीं था, अरे उनके राज में कोई नहीं था। कलयुग पुनः आया और आकर के कहा कि महाराज की हमको पुनः दे दीजिए कोई। तो पुनश्च याचमानाय जात रूपम अजात प्रभु, पुनः जब वो कहे तो महाराज ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचकम, तब आपने महाराज उसको उनको पुनः मांगने पर आपने उसको सोना अजात दी। अजात कहते हैं अजात रूपम, जात रूपम अजात प्रभु, उन्होंने सोना दिया, स्वर्ण, सोना के कलयुग का वास है, सोना जो है ना, सोना का पद पुराण में स्कंद पुराण में बड़ा भारी महिमा गया है, लेकिन कलयुग में उस पर अधिकार दे दिया गया सोना पर। अथाई तानी न सेवे तुभसु पुरुष क्वचित, शास्त्र में लिखा गया है कि इसीलिए ये पांच स्थान को राजा को, महात्मा को, गुरु को नहीं सेवन करना चाहिए, पांचों स्थान पर जो कलयुग ने स्थान दिया है। महाराज कलयुग ने दे, कलयुग को पांच स्थान मिल गए, चार जगह तो नहीं मिला लेकिन एक सोना था लोगों के पास, तो वो सोना पर चढ़ गया। सूत जी कहते हैं महाराज परीक्षित अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से नहीं मरे, अनुग्रहात भगवत कृष्णस्या अद्भुत कर्मण, ये परीक्षित कौन है तो भगवत अनुग्रहात, ये भगवान का अनुग्रह, परीक्षित तो मर चुका था, ये अभी जो परीक्षित दिख रहा है श्री कृष्ण का अनुग्रह, आ कृष्णस्या अद्भुत कर्मण, परीक्षित के माध्यम से श्री कृष्ण अद्भुत कर्मा, श्री कृष्ण कुछ अलौकिक लीला करेंगे, क्योंकि ये अब ब्रह्मास्त्र से तो नहीं मर सकते हैं, तो उनको मरना तो है ही, तो मरेंगे कैसे, तो ब्रह्म कोपोथिता जस्तु तक्षकात प्राण विकला, तक्षकाग्नि ब्राह्मण के श्राप रूपी तक्षकाग्नि का निर्माण किया गया उनको मारने के लिए। महाराज सूत जी कहते हैं कि महाराज आप नो तमस लोक वार्ता नाम जुषतम तत्कथामृतम, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की मंगलमय दिव्य कथा होती है वहाँ कलयुग का वास नहीं होता है, आप कृपा करके श्री कृष्ण की अद्भुत चरित्र का कोई गान करिए, क्योंकि तावत कलिर न प्रभवित, महाराज परीक्षित के राज में कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जगह जगह केवल भगवान नाम संकीर्तन और भगवत कथा होती रहती थी। तावत कलिर न प्रभवेत प्रविष्टो पीह सर्वतः, जिस दिन श्री कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़कर धरातल अपने धराधाम पर चले गए थे उसी दिन से कलयुग का वास हो गया था, लेकिन कलयुग का किसी पर प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि स्यात् संभ्रमोन्त काले स्मरताम तत्पजाम, श्री कृष्ण के चरणासव का लोग प्राण पान करते रहते थे। नाम उदृष्टि महाराज कोई किसी से द्वेष नहीं करता था महाराज परीक्षित के राज में, आप कृपा करके हम लोगों को कृष्ण कथा सुनाई, जाह जाह कथा भगवत कथनीयूर कर्मण गुण कर्माश्रया पुंडी संसिव्या बुभुक्षिता,
हम लोग भूखे हैं। देखो भाई, यहाँ पर एक अद्भुत श्लोक है, श्रोता जो चाहता है वक्ता से कहवा लेता है, श्रोता जो सुनने की इच्छा होता है वही वक्ता के मुंह पर बैठ करके कहवा लेता है। सूत सौनकादिक ऋषियों ने अपने प्रश्न के माध्यम से उनके जीभ पर बैठ करके कृष्ण कथा चालू करवा दी। ये सुख कहते हैं, जाह जाह कथा भगवत कथनीयोर कर्मण गुण कर्मा श्रेया कुंभी संसेव्या भूक्षित। जो भूखा व्यक्ति है वह महाराज भूखा माने कृष्ण कथा की वो भुक्षित है, आप हमको कृपा करके कृष्ण कथा सुनाइए। देखिए भाई, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो यज्ञ कर रहे हैं इस यज्ञ का फल मिलेगा मिलेगा कि नहीं कोई निश्चित नहीं, क्योंकि कर्मण्यस्मिन् निस्वासो धूम्रात् मना भवान्। देखो भाई, यज्ञ करने में थोड़ी सी भी त्रुटि होती है तो यज्ञ का फल नहीं मिलता। सौनकादिक ऋषि लोग कह रहे हैं कि हम लोग 1000 वर्ष से संपन्न होने वाला इस यज्ञ को प्रारंभ कर दिए हैं, आ इस यज्ञ में हम लोगों को क्या मिल रहा है, धूम्र धूम्रात् मना भवान्, आग की केवल धुआं मिल रहा है, धुआं से हमारा आंख घुसरित हो गया है। इसलिए महाराज, अब ये धुआं हुआ को छोड़ो, ये फल मिलेगा कि नहीं कोई ठीक नहीं। अपाय यति गोविंद पाद पद्मा सबम हो, आप श्री कृष्ण के चर्चा सुना करके हमारे कान को आंसू पिलाए। ये महाराज श्री कृष्ण कथा क्या है, कृष्ण कथा शराब है, ऐसी मादकता आती है जैसी मादकता किसी में नहीं आता। आप कृपा करके कृष्ण कथा सुनाओ। ये कृष्ण कथा की महिमा क्या है, तो कहते हैं, तुलायाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मरता न्याम किमुताशिष। एक क्षण की सत्संग की महिमा महाराज स्वर्ग नहीं कर सकता है, कहाँ तक कहे मोक्ष नहीं कर सकता है। इसी श्लोक का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी किए हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायिकयंग तुलेनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक सेकंड का सत्संग का तुलना स्वर्ग नहीं दे सकता है, कहाँ तक कहे ये मुक्ति नहीं दे सकती है और पुनर्भव नहीं दे सकता है। आप ही बताइए कि भला इस कथा से कौन विरक्त होना चाहता है। को नाम तृप्य भगवत रसविद कथाया, भगवान के मंगलमय चरित्र को इस संसार में कौन छोड़ना चाहता है। इसलिए हे महाराज, आप श्री कृष्ण के मंगलमय दिव्य चरित्रों का गान कीजिए और हम लोग आमरण जब तक मरेंगे नहीं तब तक कथा सुनने के लिए बैठ गए। ऐसा उन्होंने इतना सुनना था कि महाराज सूत गोस्वामी तो प्रसन्न होकर के श्री कृष्ण की कथा कहना प्रारंभ कर दिए। कहते हैं कि महाराज, इस संसार में वास्तव में तुम ही लोग बड़भागी हो, तुम लोगों को श्री कृष्ण के कथा में इतनी भारी रुचि हो गई है। अब देखिए, कहते हैं कि नवः पतन्त्यात्म सबः पतत्रिणा, भगवान की कथा कौन वर्णन कर सकता है। जैसे आकाश में एक मच्छर भी उड़ता है, कौवा उड़ता है, महाराज गरुण जी भी उड़ते हैं, जिसकी जितनी ताकत है उतना उड़ता रहता है, स्वयं भगवान शंकरषण देव भी भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा का गान करते रहते हैं लेकिन आज तक पूरा नहीं कर पाए। तथा सम विष्णु गति विपश्चिता, जिसके पास जितनी बुद्धि है उनके अनुसार ही श्री कृष्ण की लीला कथा का गान करता है। महाराज कहते हैं, एक दिन महाराज परीक्षित अपने हाथ में धनुष लेकर के विचरण मृगया बने, जंगल में मृगया, मृगा क्या कहते हैं, शिकार खेलने के लिए ना, चल दी। वहां पर जाकर देखे कि ददर्श मुनिमासीनम शांतम मिलित लोचन, एक महात्मा को देखे कि जंगल में आंख मूंद करके बैठा हुआ है, प्रतिरुद्धेन्द्रिय प्राण, उनका सांस भी नहीं चल रहा है, प्राण मन बुद्धि परमात्मा में लगा हुआ है, स्थान त्रयात् परः प्राप्तम ब्रह्म भूतम विक्रिय, बिल्कुल ठूठ जैसे पड़े हुए थे, उनकी जठा बिखरी हुई थी, उनकी तालु सूखा हुआ था, अलब्ध तृष्ण भूमिया। वहां गए तो महाराज उनको कोई पानी के लिए भी नहीं पूछा, राजा थे
साधारण तो थे नहीं महाराज परीक्षित, वहां गए तो उनको कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने महाराज परीक्षित ने देखा कि हमारी इतनी भारी अपमान, हम स्वयं राजा ब्राह्मण के घर में ऋषि के घर में आया, एक बार मुंह से भी नहीं कहा कि महाराज आकर बैठे, पानी की तो बात ही दूर। तो महाराज मृतक में, तो बिल्कुल भगवत प्राप्त हो गए थे, उनके शरीर में तो कुछ था नहीं, तो वो थे उनके शरीर तो था नहीं मृतक, अरे जिंदे आदमी को, ऋषि कौन है, जिंदे आदमी को मृतक सर्प डाल दे, ऐसा ही निभता से ऐसा करोड़ों मिलित एक क्षण ऋषि के गले में मृतक सांप डाल दे, जिंदा ऋषि को मुर्दा सांप डाल दे। अब महाराज और डाल करके चले गए तो छोटे छोटे बच्चों ने आकर के कहा उनके लड़के को कि अरे तुझको पता है राजा यहाँ आया था और तुम्हारे पिता के गले में सर्प डाल दिया। इतना सुनना था कि महाराज वो लड़का तुरंत कौशिकी नदी का जल अपने हाथ में लिया और हाथ में लेकर के श्राप दिया, जो हमारे पिता के गले में सर्प डाला है ठीक इसके सप्तमे यानी 7 दिन के बाद उसको तक्षक नाग डसेगा। और इतना ही कह करके और गाली देने लगा, कहने लगा कि अहु अधर्म पाला नाम पीवा बलि भुजा मिलो, इन क्षत्रियों को तो देखो, इनको ब्राह्मणों ने अपना दरवाजा का कुत्ता बना रखा है, अब ये कुत्ता घर में कैसे घुस गया। स्वामिन्यघ्यम जद दासा नाम द्वार पार सुना मिला, महाराज भागवत में लिखा गया इस पृथ्वी के राजा केवल ब्राह्मण ही, क्योंकि इस पृथ्वी को कई बार ब्राह्मणों को मिल गया लेकिन ब्राह्मण लिए नहीं, ब्राह्मण पुनः क्षत्रियों को दे दिए। तो कहते हैं कि अहो अधर्म पाला नाम, ये राजा बनते बनते बड़े पीवा मोटे हो गए बलि भुजा भी, और इन लोगों को इतना भी ज्ञान नहीं है, ब्राह्मण के घर में घुस गए, ब्राह्मण ही छत्र बंधुर ही द्वारपालो निरूपित, ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को द्वारपाल बनाया है, असकथम तदगृहे द्वास्तम सौभाण्डम भोक्तुम अर्हति, ये लोग ब्राह्मण के घर में घुसकर ब्राह्मणों के बर्तन का पानी पीना कैसे सोच लिए। लगता है कृष्ण गते भगवती शास्ता उत्पथ गामिना, श्री कृष्ण के इस राज से पृथ्वी से जाने के कारण जितने भी क्षत्रिय हैं उत्पथ गामी हो गए, उल्टा चलने वाले हैं। इति लंघित मर्यादम तक्षके सप्तमे हनि, इतना बड़ा अपराध किए हैं इसलिए मैं श्राप देता हूं कि तक्षक सप्तमे हनि। जीव गोस्वामी पाद इस श्लोक के टीका में लिखे हैं सप्त माने 7 और 9 माने 5, कितना दिन का श्राप दे दिए 12 दिन, क्योंकि 5 दिन तो लगा इधर उधर भेजने में और 7 दिन के बाद तो कथा चालू हो गई। तो 7 दिन यहाँ दे दिए तो उनको राज छोड़ना, फिर उनके जन्मेजय को राज के गद्दी पर बैठाना, फिर जाना, इसमें 5 दिन लग गया था। सप्तमे यानी दक्षिणतिष्म कुलांगार शोधितो में तदत्र उदम, महाराज जब महाराज परीक्षित को ब्राह्मणों द्वारा पता चला कि उनको श्राप लग गया है तो यह सुन करके बड़ा प्रसन्न हुए। परीक्षित महाराज नाराज नहीं, परीक्षित महाराज सुने यार ये ब्राह्मण कितने दयालु होते हैं, देखो तो सही, मैं तो सोचा था कि ब्राह्मण के श्राप के चलते हमारा कुल का ही नाश हो जाएगा, हमारा राज नष्ट हो जाएगा, लेकिन ब्राह्मणों ने कृपा करके केवल मुझको ही श्राप दिया। इस प्रकार महाराज बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के तुरंत संन्यास ले लिए। देखिए शास्त्रों में क्षत्रियों को संन्यास लेने के लिए मना किया गया, संन्यास केवल ब्राह्मण ले सकता है। तो भागवत में लिखा गया है 2 क्रिया है, ब्राह्मण यदि संन्यास लेता है तो दंड लेता है, और यदि अन्य जाति के लोग संन्यास लेते हैं तो दंड नहीं लेंगे। संन्यास्त ये घर गृहस्थी को छोड़ करके जंगल में जाकर के भजन करने का केवल अधिकार है, संन्यास लेने का अधिकार नहीं। तो महाराज परीक्षित ने सब कुछ छोड़ दिया और छोड़ करके जंगल में चले गए। तत्रोप जगमो भुवनम पुनाना महानुभाव मुनयः सशिष्या प्रायेण तीर्थाभिगमा पदेशे स्वयं तीर्थानि पुनन्ति संतः, जिन महत्पुरुषों की कृपा से यह तीर्थ अपने आप पवित्र हो जाता है
वह महापुरुष महाराज परीक्षित को देखने के लिए आए। कौन कौन लोग आए? अत्रि, वशिष्ठ, चैवन, शरद्वाज, अरिष्ट नेमी, भृगु, अंगिरा, पराशर, गाधीसु, परशुराम जी, राम महाराज, मेघातिथि, भरद्वाज, गौतम, पीपलायन, मैत्रेय और सब ऋषि लोग आ गए। ये ऋषि लोग क्यों आ गए? कि ये लोग सोचे कि जब ये राजा बने थे तब हम लोग जाते तो ये राजा सोचता कि जब ये लोग हमारे पास दान दक्षिणा के लिए आए, अब तो हमारे जैसा हो गया भिख मांगा, अब इससे मिलेंगे तो कोई शंका नहीं करेगा। तब महाराज सब ऋषि लोग आ गए। नभ्यर्थ राजा शीर्षा गोबंधे, इन महात्माओं को देख करके महाराज परीक्षित ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किए। कैसे प्रणाम किए तो कहते हैं यहाँ महाराज, नभ्यर्थ राजा शीर्षा बबलते, अपने सिर को झुका लिए, हाथ को जोड़ लिए, सिर झुका लिए कि आप लोग जो जो कहेंगे वही वही मैं करूँगा, आपका आदेश का पालन करूँगा। अब महाराज युधिष्ठिर हाथ जोड़ करके ब्राह्मणों को कह रहे हैं, अहो वयम धन्यतमान नृपाणां महत्मानानुग्रहणीय शीला, कह रहे कि महो मैं इस संसार में बहुत धन्य हूँ क्योंकि हमारे जैसा अधम क्षत्रियों पर आप लोग कृपा करके यहाँ पर आए हैं। आप बताइए, द्विजो वशिष्ठ कुहकह तक्षको वा दशत पोलम गायत विष्णु गाता, हमको अब कोई डर नहीं है, ब्राह्मणों का दिया हुआ श्राप यह तक्षक नाग आकर अभी काट ले कोई बात नहीं, लेकिन गायतः विष्णु गाथा आप श्री कृष्ण के पावन चरित्रों का गान कर दीजिए। महाराज हमको तब कहे कि यदि तू मर जाएगा तो तुझको मुक्ति नहीं मिलेगी। महाराज हमको मुक्ति की जरूरत नहीं, मुक्ति यदि इच्छा होता तो मैं हरिद्वार जाता, हमको मुक्ति उक्ति की इच्छा नहीं, हमको तो श्री कृष्ण की विष्णु की गाथा गाइए। रति प्रसंगस्य तदाश्रयेषु, या तो श्री कृष्ण की कथा सुनाइए या श्री कृष्ण के भक्तों की कथा सुनाइए। महत्सुजाम जाम कयाम श्रेष्ठ मैत्रिस्तु सर्वस्त्र नमो द्विजेभ्य, इस प्रकार हाथ जोड़ करके महाराज परीक्षित ने सभी ब्राह्मणों को प्रणाम किए। देखो भाई, ऋषियों की सात कैटेगरी, तो राजर्षि, देवर्षि, महर्षि इत्यादि सब ऋषि लोग वहां पर आए। अब देखिए कि सब ऋषि लोग तो आ गए हैं लेकिन अब सुखदेव जी नहीं आए, तो ये सुखदेव जी कौन है जानते हैं ना? ये सुखदेव जी उसी में थे, सुखदेव जी साधारण नहीं। कहते हैं कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र, महाभारत में लिखा गया है कि श्री जब यह परीक्षित महाराज की कथा सुनाए उसके पहले ही सुखदेव जी का शरीर छूट गया था। महाभारत में कथा है कि वे समाधि लगा करके अपने शरीर को छोड़ दिए थे। तो इस कथा में क्यों आ गए, तो इसीलिए यहाँ कहा गया है तत्रा भवत भगवान। ये सुखदेव जी कौन है? साक्षात भगवान और व्यास के पुत्र के रूप में प्रकट हो गए, थे नहीं लेकिन वहां प्रकट हो गए। जदिक्षया गामट मान उपेक्षा अलक्ष लिंगो निज लाभ दृष्टो वृतस्य बालई रवधू तदेश। देखिए यहाँ पर सुखदेव जी के कुछ गुणों का वर्णन किए हैं। एक आचार्य हैं वल्लभाचार्य जी, वे कहते हैं भागवत में श्री कृष्ण के 30 गुणों का वर्णन किया गया है और यहाँ सुखदेव जी के 38 गुणों का वर्णन किया गया है, क्योंकि परमात्मा से श्रेष्ठ महात्मा होता है। ऐसा क्यों श्रेष्ठ होता है कि महात्मा तो अप्रत्यक्ष है, दिखता तो नहीं है, लेकिन परमात्मा तो दिखता नहीं, महात्मा तो दिख रहे हैं, महात्मा जीवों के दुख को जानते हैं, इसलिए महाराज यहाँ इनके गुणों का वर्णन किया गया है। तम वैष्ट वर्ष सुकुमार भाई, देखने में 2 ही 8 वर्ष के थे, 16 वर्ष की अवस्था था। उनका हाथ कैसा था? तो कहते हैं उनका हाथ जंगा बुझाए कंधे कपोल अन्य सब अंग बिल्कुल कोमल थे, नेत्र बड़े बड़े और मनोहर थे, भ्रू कंबु इनका कंठ कैसा था? तो शंख के समान था, निजूड गजत्रु यहाँ जो हड्डी रहता था वो मांस से ढका हुआ था, पृथुतंग वक्षसं उनकी वक्ष और पृथु थोड़ा बड़े थे, आवर्त नाभि इनकी नाभि गहरी थी, दिगंबरम बिल्कुल बिना वस्त्र के थे, वक्त किरीट केश विकीर्ण केशम केश घुंघराली अलकावली से युक्त था, प्रलंब बाहु लंबा बाहु था,
और देखने में लगता था दिव्य श्री कृष्ण जैसा ही रूप था। महाराज उनके रूप को देख करके हस्तिनापुर की जितनी स्त्रियां थी और जितने बच्चे थे पागल होके इनके दीवाना हो गए, पीछे पीछे चलने लगे इनके रूप गुण को देख करके। तत् लक्षण अज्ञा अपि गूढ़ वर्चसः। जब वे आकर गए महाराज परीक्षित के सभा में आए ऋषियों के पास, तो उनको देख करके जितने ऋषि थे उठ करके खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके प्रणाम किए। तुम्हारा जो स्त्री और बच्चे उन पर ढेला मारते हुए गाली देते हुए आ रहे थे, जब देखे कि ये तो लड़का नहीं बड़ा, कौन सा आफत है भाई, इसको देख कर तो सब ऋषि उठ करके खड़े हो गए। तो वहीं से स्त्री और बच्चे निकल करके चले गए। अब महाराज परीक्षित हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, अहो अद्य वयम् ब्रह्मन् शतशेव्या छत्र बन्धवः। इस संसार में मैं छत्र बंधु पतित क्षत्रिय होने के बावजूद भी कितना बड़ा भाग्यशाली हूँ कि कृपया तिथि रूपेण भवद्भिः तीर्थकाकृतः। साक्षात सुखदेव, साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण सुखदेव के रूप में हमारे पास प्रकट हो गए। अरे जिनके स्मरण करने मात्र से गृहस्थों का घर पवित्र हो जाता है, वही मेरे पास आ गए। पुनः दर्शन स्पर्श पाद सेवा अर्चनादि भी। अब मुझे पता चल गया कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों पर जितना प्यार करते थे उससे कम मुझ पर प्यार नहीं कर रहे हैं। अन्यथा ते व्यक्त गति दर्शनम न कथम गृणाम। अन्य ऋषियों को तो मैं बुला भी सकता था, लेकिन ते अव्यक्त गति, इनका तो कोई एड्रेस था नहीं, इनका दर्शन तो असंभव था। निश्चित नितरा मृय माड़ा नाम संसिद्धि से बनी से, निश्चित अब हमारा कल्याण होगा। अब हाथ जोड़ करके पूछ रहे हैं, अतः पृच्छामि, मैं पूछ रहा हूँ, योगिनाम परमं गुरु, योगियों के जो परम गुरु, आप बताइए कि जो बिल्कुल मृत्यु के नजदीक आ गया है उसको क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या कीर्तन करना चाहिए, स्मर्तव्यम भजनीयम व, क्या उसको स्मरण करना चाहिए, क्या कीर्तन करना चाहिए, कृपा करके बतला दीजिए। क्योंकि नूनम भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृह मेधिनाम, आप घर गृहस्थियों के पास तो कभी जाते नहीं, और यदि कदाचित चले भी जाते हैं तो सलक्षते हवस्थानम अपि गोदोहनम क्वचित, जितने देर तक गैया दुही जाती है उतना देर तक ही वहाँ आप टिकते हैं, इसलिए आप कृपा करके बतलाइए मुझे अब क्या करना चाहिए। देखिए अब सुखदेव जी अपना मुँह खोल रहे, मुंह खोलते समय कौन सा शब्द उच्चारण कर रहे हैं, बम, वल्लभाचार्य जी कहते हैं बम अमृतम, सुखदेव जी के मुंह से अमृत निकला और अमृत निकल करके कहते